और सबसे बड़ी करामत यहाँ पे की देखो, ये अलिफ एन अल्लाह, यहाँ पे पहाड़ पे देखो साफ शब्दों पे लिखा हुआ है, आप गौर से देखेंगे तो अल्लाह लिखा हुआ है। गाइस फाइनली मैं हूँ हाजी मलंग बाबा पहाड़ पे, माशाल्लाह यहाँ पे चश्मा जारी हुआ था, आज भी यहाँ पे देखो पानी कहाँ से आता है कहाँ को जाता है किसी को पता नहीं। बताइए मेरे को तुम यहाँ पे यहाँ बाबा जान की क्या करामत है? को वसु के लिए पानी नहीं था तो घोड़े ने टाप मारा है, चार पहाड़ ऊंचे थे, जब इधर एक टाप पड़ा तो तीन पहाड़ नीचे जमीन में डस गया। इस पानी को पीने के बाद जो भी मन्नते मुरादे मांगते हैं लोग पूरी होती है। और यहाँ पे ये देखो बोतल है। पानी देते हैं बोतल में भर के फूल के साथ, क्या पड़ता है भाई इसका एक बोतल का अगर कोई ले जाना चाहे? ये देख सकते हो हाजी मलंग बाबा की दरगाह पे घुटनों के बल चल रहे हैं, यानी बहुत बड़ी मन्नत है इंशाल्लाह बाबा के साथ के अल्लाह ताला पूरी करेंगे। अच्छा मेरे भाई को पैर नहीं था, कुछ नहीं इनको? था इनको पैर नहीं था, हाँ तो इधर आने के बाद मुराद मांगे तो अगले साल आने के बाद वो चलने लगा ऑटोमेटिक, फिर हम पहले से इधर आ जाते माशाल्लाह, इसलिए अकीदा और बढ़ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी लुबान हुई, मैंने आप लोगों को लुबान दिखा दिया, माशाल्लाह यहाँ पे मस्जिद है। कहाँ जा रहे हो? मैंने दरगाह शरीफ, ये देखो ये पहाड़ है, देखो ये देखिए जस्ट पहाड़ के पास में ही हाजी मलंग बाबा की दरगाह है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो पानी का टाप दिखा, यहाँ से रास्ता है जस्ट बाजू से, देखो ये तराजू है, तराजू वाले रास्ते से जस्ट बाजू में ये गली कटती है, यहाँ पे पानी का टाप का है ना, घोड़े ने टाप मारी और पानी चश्मा जारी हो गया और यहाँ पे पूरा एक शहर बसा हुआ है माशाल्लाह। ये देखिए जैसे अजमेर शरीफ में तारागढ़ पहाड़ है, वैसे यहाँ पर भी एक पहाड़ के ऊपर पूरा शहर बसा हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह, ये हमारे भाईजान इन्हीं के साथ जाके देख रहा हूँ। ये देखो घोड़े का टाप जाने का रास्ता, यहाँ से पूरा आपको चल के आना पड़ेगा और ये रहा घोड़े टाप जाने का रास्ता। शाम हो गई है, रात होने वाली है, देखो मैंने काफ़ी देर तक वेट करा यहाँ पे, तो शाम को ही यहाँ पे अभी लंगारा बजेगा, लंगारा भी दिखाएंगे। काफ़ी दूर दूर से पब्लिक आती है माशाल्लाह यहाँ ज़ियारत करके जाती है। देखो शाम को कैसा माहौल दिख रहा है, इधर घोड़े का टाप का यहीं पे है, दिखाते हैं आपको। ये देखिए सामने प्लेन जा रहा है, इसी प्लेन से जब मैं निकल रहा था तो मैंने दरगाह शरीफ आपको दिखाया था कि यहाँ से देखो हाजी मलंग की पहाड़ दिख रही है। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, घोड़े का टाप भी देख के जाते हैं माशाल्लाह। हाँ। ज़ियारत कर ली घोड़े की टाप की? हाँ भाई। हाँ भाई। कैसा लगा? अच्छा लगा माशाल्लाह। कहाँ पर है पानी का टाप? ये देखिए चलो आपको दिखाते हैं, यहाँ पे पूरा, ओह यहाँ पे बावड़ी भी है, देखो कितनी पुरानी पुरानी बावड़ी। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है, हेलो आवाज़ आ रही यार। ये आ गया बाबा के चश्मे का पानी, यानी जी जी यहाँ पे घोड़े ने टाप मारी, पीर हाजी मलंग साहेब दरगाह ट्रस्ट। रो रो जल्दी चलो बंद होने का टाइम। और ये देखो कैसा गली कोपचे से जाना, अरे वाह ये तो बहुत खतरनाक रास्ता है। ये देखिए यहाँ पर माशाल्लाह आज भी चश्मा जारी है जी। यहाँ के बारे में थोड़ी करामत के बारे में बताओ ना हमें बाबा जान के। तो गाइस फाइनली मैं हूँ हाजी मलंग बाबा पे, तो हाजी मलंग पहाड़ पे माशाल्लाह यहाँ पे चश्मा जारी हुआ था, आज भी यहाँ पे देखो पानी कहाँ से आता है कहाँ को जाता है किसी को पता नहीं है ना, पर पानी कहाँ से आता है यहाँ पे आज भी आ रहा है। जिंदा करामत है बाबा की देखो माशाल्लाह जी। आप बताइए मेरे को तुम यहाँ पे यहाँ बाबा जान की क्या करामत है? हाजी मलंग बाबा जब हाजी मलंग बाबा मदीना शरीफ से आए थे तो यहाँ चार पहाड़ था जी। जब हाजी मलंग बाबा ऊपर से आ रहे थे तो उनको प्यास की शिद्दत मालूम हुई और वजू भी करने का था, अजान हो रही थी। जब हाजी मलंग बाबा को वजू के लिए पानी नहीं था तो घोड़े ने टाप मारा है, चार पहाड़ ऊंचे थे, जब इधर एक टाप पड़ा तो तीन पहाड़ नीचे जमीन में डस गया, अभी एक पहाड़ है, अभी एक पहाड़ से पानी आता है। ओहो सुभान अल्लाह, जब बाबा जान पहाड़ पे चढ़ रहे थे तो नमाज का टाइम हो रहा था, वजू के लिए पानी चाहिए था और पीने के लिए भी प्यास लग रही थी, तो घोड़े ने टाप मारा और अल्लाह की तरफ से ये करिश्मा जारी हो गया, चश्मा जारी हो गया, आज भी जिंदा करामत है। अच्छा एक बताओ इसके बारे में जानकारी तो करी कि पानी कहाँ से आता, कभी पता नहीं चला इसको भी नहीं, साइंटिस्ट लोग भी पता नहीं कर पाए पानी कहाँ से आता है। ओहो सुभान अल्लाह, ये छोटा जरूर है पर इसके पापा को पूरी नॉलेज है, तो ये बच्चा जब से कहते नहीं है कि एक से दूसरे को मालूम पड़ता, दूसरे से तीसरे को, तो इस तरीके से मालूम पड़ती है नॉलेज। देखो काफी दूर दूर से पब्लिक यहाँ पे माशाल्लाह आती। आप लोग कहाँ से आए?
कल्याण से आए, कैसा लगा, कब से आ रहे हो यहाँ पे? बहुत बार आया हूँ माशाल्लाह। कैसा लगता जब ये जिंदा करामत आप लोगों को देखने को मिलती है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है भाई, बाबा का करम है। मतलब इससे कि नई जीने की पद्धति मालूम पड़ती है, जीने की सीख मालूम पड़ती है। आप क्या बोलना चाहेंगे? बस हम लोग बचपन से आते हैं, बाबा का हमारे पे करम है, हमारे बाल बच्चे पे करम है। हम आते हैं, हमारे को अच्छा जैसा दिल होता वैसा हम आ जाते हैं माशाल्लाह। मतलब आपने कहा था कि आप देन भी इन्हीं के बाबा की है। हाँ बताइए। बस बाबा की मुहूर्त किया हम सब माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, आज हम लोग बाबा जान के जिंदा करामत पे आए हुए और ये पानी बैठ के पीना चाहिए और बहुत तबरों के साथ है। इस पानी को पीने के बाद जो भी मन्नतें मुरादें मांगते हैं लोग पूरी होती है। और यहाँ पे ये देखो बोतल है, बोतल पे भी पानी भर के लेके जाते हैं। देखिए पीछे दे दो बच्ची को। और इस पानी को पीने से क्या क्या बेनिफिट होता है भाईजान? जो बीमारी परेशानी दूर होती है। अच्छा जो चिरागी नसराना डालने का डाल लो। और यहाँ पर देखो ये पानी देते हैं बोतल में भर के फूल के साथ। क्या पड़ता है भाई इसका एक बोतल का, अगर कोई ले जाना चाहता है तो? 21 रुपया दिया रहता है माशाल्लाह। और ये पानी देखो बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल प्योर पानी माशाल्लाह। अभी मैंने भी पिया है माशाल्लाह। और पानी ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल पानी है ना? नॉर्मल है, नॉर्मल है। इससे शिफा बीमारी सब खत्म हो जाती है, टेस्ट भी ऐसा नॉर्मल जैसा है। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ये देखिए जो हम लोग आए थे अभी वो दरगाह पे, रास्ते पे जो दरगाह मिली थी हमें, वो दरगाह शरीफ आप देख सकते हो रास्ते में दिख रही है अभी। हाँ क्या नाम था? उन्हीं के मुरीदों में से हैं जो साथ में आए थे हाजी मलंग बाबा के। और ये देखो ये पूरा शहर बिल्कुल चींटी जैसे पहाड़ के, मतलब क्या कहते हैं उसको, चींटी जैसे घर दिख रहे हैं। सुभान अल्लाह, यहाँ पे पूरा पूरा मुंबई शहर है पूरा दिखता है यहाँ से। और बहुत शानदार एरिया है हाजी मलंग बाबा के पहाड़ का। थोड़ा सा व्यू ले लेता हूँ फिर निकलता हूँ मैं भी, मगरिब का टाइम हो गया। ये देखो, तो गाइस आपको बता दूं कि अभी अजान होने वाली, तो अजान भी आपको सुना देते हैं यहाँ की। ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे अल्लाह शब्द लिखा, गौर से अगर आप लोग देखोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस पहाड़ पे अल्लाह लिखा हुआ। देखो अलिफ एन, ये देखो आप गौर से देखेंगे माशाल्लाह तो इसमें अल्लाह लिखा हुआ है ना भाई? आपको मैं लाइव देखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत देखा आपका लाइव। हाँ। कैसा लगा आप लोगों को यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, और आपसे मिलकर तो और भी अच्छा लग रहा है। शुक्रिया भाई, वो आप लोगों की मोहब्बत है। यहाँ पे हाजी मलंग बाबा आने के बाद क्या क्या मालूम पड़ा आपको? मालूम पड़ा बहुत कुछ है, इधर घोड़े का दब है, उधर जगाया था हम लोग, अच्छा लग रहा देखने में। घोड़े का टॉप, हाँ हाँ टॉप अच्छा लगा ना? हाँ, बहुत। और अच्छा क्या क्या देखने को मिला? अभी आया जस्ट, अभी उतना घुमा भी नहीं है। चलो, और ये इसके बारे में मालूम पड़ा जब ये अल्लाह शब्द लिखा हुआ है? गौर से देखो माशाल्लाह, मैंने अभी नोटिस करा, एक भाई बच्चा ने बताया कि ये अल्लाह लिखा हुआ है, जो खादिम का बंदा था उसने बताया। ये देखो पहाड़ पे अल्लाह लिखा हुआ है, सुभान अल्लाह। गौर से देखो, ये देख सकते हो यहाँ पे अल्लाह शब्द जो लिखा हुआ है माशाल्लाह, इसके जस्ट बाजू से ही प्लेन गुजरती देख सकते हो। यहाँ पे आप साफ अल्लाह का करिश्मा देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा पहाड़ पे अल्लाह शब्द लिखा हुआ है माशाल्लाह। और यहाँ पे घोड़े का जो टाप मारा वो चश्मा जारी हुआ वो भी है यहाँ पर। और हाजी मलंग बाबा की दरगाह की ज़ियारत कर सकते हो, जिंदा करामत है माशाल्लाह। और क्या क्या है? उधर एक दरगाह है वहाँ बीच में, टाकी ऊपर, ऊपर टाकी है, और उधर इधर आओ थोड़ा, उधर एक ड्राइंग है, दिखाई दे रहा है आपको ऑरेंज कलर का? हाँ इधर से आओ, इधर से। हाँ दिखा दिखा दिखा, ऑरेंज कलर। हाँ। शेर का ड्राइंग है। शेर का है? हाँ ड्राइंग है। अच्छा मतलब तस्वीर बनाई हुई है।
तो यहाँ तो शेर भी आते हैं मैंने सुना है। हाँ। अच्छा, और नसीब वाला उसको ही दिखता है। उसको ही दिखता है, बाबा की जिंदा करामत है ऐसा। तो इधर एक दरगाह है। हाँ। तो यहाँ पे कितनी दरगाह कुल मिलाकर कितनी दरगाह यहाँ? देखो इधर एक नीचे एक दरगाह पख्तर बाबा की, सुल्तान बाबा, हजी मलंग बाबा, इधर पांच पीर है। पांच पीर बाबा उधर है, आजरंग मस्जिद उधर एक दरगाह है। अच्छा, वहाँ पहाड़ पे भी एक दरगाह है, अगली तरफ इधर एक नीचे एक दरगाह है। अच्छा अच्छा, पांच पीर बाबा के दरगाह के बारे में क्या सुना आपने? बहुत सुना है, मतलब दादी माँ की इधर की मिट्टी लाके उधर मिट्टी डाली और उधर पांच पीर बोल ऐसे रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो काफी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे ज़ियारत करके जाते हैं। और सबसे बड़ी करामत यहाँ पे की देखो, ये अलिफ एन अल्लाह, यहाँ पे पहाड़ पे देखो साफ शब्दों पे लिखा हुआ है, आप गौर से देखेंगे तो अल्लाह लिखा हुआ है। तो ये तो और भी जिंदा करामत हो जाती है कि पहाड़ के ऊपर कुदरती अल्लाह लिखा हुआ है ना भाई। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सौरभ भाई। सौरभ भाई है यहाँ पे, मतलब ये कि हिंदू मुस्लिम सब आते हैं ना? मैं भी हिंदू। अच्छा, तो मतलब माशाल्लाह हिंदू मुस्लिम धर्म के सब मानते हैं यहाँ पे और बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। तो गाइस फाइनली मैं आपको बता दूं कि मैं हाजी मलंग पहाड़ पे आया था। माशाल्लाह मैंने वीडियो पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। यहाँ पे हमारे भाई सौरभ भाई, क्या नाम आपका? सौरभ। और आपका? किरण कुसाड़कर। तो यहाँ पे मतलब ये दरगाह जो है ना काफी हिंदू मुस्लिम एकता, कितनी साल, 900 साल पुरानी है। 900 साल पुरानी है, मतलब ये हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है, मतलब यहाँ पे सब धर्म के लोग आते हैं, सब धर्म के लोग आते हैं। अच्छा, तो बाबा के बारे में कुछ बताओ, करामत मेरे को बताओ बाबा की, क्या क्या करामत है? बाबा के तो बहुत सारे करामत है वैसे तो, पर बताया जाए तो अभी क्या क्या बताओ वो नहीं। बचपन में क्या क्या सुनने में आया आपको, जब से सुनने में? तो वैसे तो नहीं, क्या किसी को सांप काटा ये काटा तो उनका वो घोड़े का पानी पिलाते तो पूरा बीमारी निकल जाता था। ये वो जो चश्मा जारी हुआ घोड़े का टाप वाला, और कभी नहीं, और उसका पानी खत्म नहीं होता। अच्छा, इधर जो भी आता है उसका अच्छा ही होता है, किसी का बुरा नहीं होता। ओहो माशाल्लाह, मतलब चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, धर्म जाति कुछ नहीं, सबका भला होता है, सबका भला होता है, बस दिल से मानो, सब बस दिल से मानो। ठीक है, और क्या क्या सुनने में आया आपको? और बोले तो इधर आने के बाद वो पांच पीर को जाना पड़ता है, उधर उधर जाने के बाद ही एक पहाड़ी का सफल पूरा होता है, उसके बाद वो तीन पहाड़ी है ना उधर भी जाते हैं लोग, वो तीन पहाड़ी। अच्छा, वो कहा जाता है कि वो जो अगर हम लोग उधर अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, हाँ उधर उधर भी जाते हैं, उधर बहुत अच्छे अच्छे ये। फिर उसके बाद उधर दादी माता का ये वो अभी पहाड़ दिखेगा नहीं उधर, वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद इधर पहली दरगाह बख्तर बाबे की है, वो भी उधर भी। तो दादी अम्मा मतलब समझो कि रिलेटिव में दादी। इधर नीचे। अच्छा, हाँ। और पांच पीर बाबा इनके साथ में आए थे वो? इनके साथ में आए थे, तो इनके साथ में पांच पीर बाबा, बख्तर बाबा, सुल्तान बाबा, ये आए थे साथ, सब साथ में आए थे। अच्छा, और जब तक उधर से दीप नहीं जला के लाते ना दादी माँ से, तब तक इधर संदल नहीं उठता, संदल नहीं उठता, नहीं उठता। अच्छा, मतलब वहाँ से पहले वो जला के लाते हैं, जला के लाने के बाद इधर ये करने का, उसके बाद ही इधर संदल उठता है, संदल उठता है। और शेर का बिर वो फकीर लोग उनको शेर दिखता है जब वो आवाज देता है तब रात को शेर। अच्छा, मतलब यहाँ के जो बाबा मलंग जो रहते हैं वो लोग फकीर है, फकीर है, यानी जो पूजा करते हैं खादी मजरात, वो उनको दिखते है, उनको आवाज आता है तब तक वो उठाते नहीं पालकी। अच्छा, तो मतलब यहाँ के जो खादिम है वो शेर को आवाज लगाते हैं? नहीं नहीं, शेर उनको आवाज, शेर उनका शेर आवाज देता है, संदल के दिन क्या ऑटोमेटिक शेर आता है, वो दिखता नहीं किसी को, जिसको दिखता है उसका नसीब। अच्छा, और बहुत बार ऐसा सुना गया कि शेर आके दरगाह में झाड़ू मार के, झाड़ू मार के उसके पूछते झाड़ू मार के जाता है। ओ माशाल्लाह, मतलब शेर आवाज लगाता है और फिर पालकी उठती है, यानी संदल उठता है, संदल उठता है, यानी चादर दरगाह शरीफ में पेश होती, पेश होने के लिए जाती है। वाह सुभान अल्लाह, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे चाहे कोई भी धर्म के हो यहाँ की नॉलेज बहुत रखते हैं। आप यही के हो? हम यहाँ पुणे के। अच्छा, हर साल आते हैं, अभी हमको कम से कम 40-50 साल हो गया। तुम्हारे पुणे में एक दरगाह बहुत ज्यादा फेमस है, वो एक उंगली से पत्थर उठाते माशाल्लाह, मतलब आप काफी नॉलेज रखते हैं। अच्छा, ये जो पांच पीर बाबा इनके बारे में और क्या क्या सुना आपने? पांच पीर बाबा को जाने के लिए कैसा है, वहाँ का रास्ता बहुत कठिन है, जो जाता है मतलब नहीं क्या आराम से जाना, ओ, ओ, आराम से मतलब बाबा के नाम लेके जाएंगे तो एक साइड कुआं है, एक साइड कुआं है, रास्ता बहुत पतला है, दोनों साइड से ये क्या बोलते खाई है, खाई है। अच्छा, इसमें रास्ता है, जो जाता है वो नहीं क्या, अच्छे से जाने का, अच्छे से आने का, मतलब अभी तो मैं गया नहीं, मैं अगली बार आऊंगा इंशाल्लाह तो और अच्छे से बनाऊंगा, पर ये भाईजान बता रहे हैं कि जैसे ये देखो ऐसी ऐसी चेन बनी हुई है, वो देखो आगे दिख रहा है ना, वो वहाँ पर, तो बिल्कुल पतला रास्ता है, पूरे पतले रास्ते से निकल के जाना पड़ता है। उधर तक गए थे
पतला रास्ता उधर तक गए, वहाँ पर है ना, वहाँ पर भी जाते हैं, वहाँ पर वहाँ तक जाते हैं। मैंने सुना है कि वो दिख रहा है लाइट दिख रही है, वहाँ पर दरगाह है, वहाँ पर दरगाह है। कहा जाता है कि वो जो ऊपर सबसे ज्यादा ऊपर पहुँचने के लिए उस वाली दरगाह पे रस्सी चेन है, चेन से निकल रहा है, जाते बांधी है अभी रस्सी का सहारा लेते, पर अभी कोई जाता नहीं उधर, इधर तक ही जाता, खतरा ज्यादा इसलिए नहीं जाता है क्योंकि कई लोग का चोट वोट हो गया होगा तो लगता है। हाँ, और ये पांच पीर बाबा ना, पांच पीर वो बहुत खतरनाक रास्ता है, वो बहुत खतरनाक, तो मतलब ये कि जाओगे तो कुछ नहीं होगा। आय है सुभान अल्लाह, मतलब ये कि दिल से मुराद मांगोगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अभी बाबा का लंगारा बजने वाला है, ये लंगारा क्यों बजाते हैं यहाँ पे? ये नगारा बोले तो किसी की मन्नत रहती है, उनका ये रहता है, वो रहता है, इसलिए वजह लोबन रहता है, धूप रहता है बाबा का, नहीं क्या सुबह 6 बजे मतलब वो नगारे में जाएंगे ना, कुछ भी नहीं रहते, शरीर में रहते, पनवते रहने तो कुछ भी, वो सब निकल जाता है, सब निकल जाता है। ओहो माशाल्लाह, दलिंदर जो रहता है वो निकल जाता है। और मैंने सुना कि यहाँ पे वो बच्चे वाला भी वाकया हुआ है, बच्चा मरा हुआ रखा, वो भी है, मतलब वो बच्चा खाई में गिर गया था। हाँ, वो सीधा घोड़े के ऊपर नहीं क्या सब बैठ गया, वो घोड़े में लेके आया, इसके अंदर आ गया। हाँ, दरगाह के अंदर आ गया, दरगाह के अंदर आ गया, मतलब छोटा सा बच्चा खाई में यहीं से गिर गया था। हाँ, वो सीधा उसकी माँ ढूंढ रही थी, उसकी माँ को सीधा वो दरगाह में मिल गया, दरगाह में मिल गया, इधर से गिरा हुआ बच्चा। और बाबा का करामत ऐसा हुआ कि बच्चा जिंदा भी हो गया, जिंदा भी हो गया। ओहो सुभान अल्लाह, क्या करामत है बाबा जान की। देखो माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप मुझे मिले, इतनी अच्छी जानकारी दी। क्या नाम बताया आपका? किरण कुसालकर। मतलब हमारे भाई हिंदू भाई हैं, फिर भी इतनी अच्छी बाबा की नॉलेज रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और मैं अगर आप ये भाई नहीं मिलते तो मेरे को शायद ही नॉलेज मिलती, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब आपको क्या मिला बाबा के दरबार पे? आप कितने साल से आ रहे हो बताया आपने? 40 साल हमारे पूर्वज से। अच्छा, पूर्वज से आ रहे हैं, मतलब पहले पूर्वज आते थे फिर तुम आने लग गए। हमारे थर्ड नंबर है। अच्छा, मेरे भाई को पैर नहीं था, कुछ नहीं, इनको इनको पैर नहीं था। हाँ, तो इधर आने के बाद मुराद मांगी तो अगले साल आने के बाद वो चलने लगा ऑटोमेटिक, फिर हम पहले से इधर आते। माशाल्लाह, इसलिए अकीदा और बढ़ जाता है कि जिंदा करामा जब अपने आंखों देखी हो जाए, क्योंकि हमारे घर में का खुद का कका ये हो गया, इसलिए तो हर साल आते हैं, घर का भगवान है ऐसा। माशाल्लाह, तो मतलब ये कि इनके पैर में मुराद के बच्चे रहते हैं ना, उनको एक वजन कांटे में डालते हैं, गुल में वजन करते हैं और गुल पूरा बांट देते, लंगर बांट देते। अच्छा, हाँ। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह। और इधर बंदर बहुत है। हाँ, उसके लिए लाठी लेके जाते लोग। ये देखो रात हो गई माशाल्लाह, और रात के टाइम का कितना खूबसूरत प्यारा मंजर है। और अब मैं जा रहा हूँ वापस। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड छोटा भाई तुम्हारा सपोर्ट करो। किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, मिस्टर खान अजमेर और जैन साहिल खान फेसबुक। ये पहाड़ के ऊपर का नज़ारा है माशाल्लाह, और रात के समय, रात के बज गई है 8, और 8 बजे भी यहाँ पर इतना ही खूबसूरत प्यारा मंजर है। यहाँ पर पूरी रात पब्लिक चलती है माशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाजी मलंग पहाड़ है, और हाजी मलंग पहाड़ के ऊपर ही पूरा एक शहर आबाद है माशाल्लाह, पूरा एक शहर आबाद है। खाने पीने के होटल सब कुछ है यहाँ पर। आप लोगों को मैंने पूरी जानकारी दे दी यहाँ के बारे में। और ये जो डंडा आप देख रहे हो, ये डंडा मेरे कोई काम तो आया नहीं है, पर फिलहाल अभी रास्ते में देखता हूँ कोई बंदर मिलेगा तो शायद यूज़ में आवे, नहीं तो बाकी तो कोई काम का नहीं। तो मैं वो चाची को सोचा कि ये डंडा वापस दे दूँगा, क्योंकि ये मेरा डंडा कोई काम में नहीं आया। बाकी मैंने बंदरों को मिले थे, बंदरों को मैंने सिर्फ चने डाल दिया और बाकी चीज़ें खिला दी, पर डंडा कोई काम में नहीं आया। बाकी हाँ, ये कि निशानी के तौर पर आप बाबा के ले जा सकते हो, वो अच्छा रहेगा। इसी तरीके की वीडियो लाता रहूँगा, तो तुम्हारा भाई कितना मेहनत करता है, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। रात को अगर आप लोग हाजी मलंग दरगाह पे आ रहे हैं तो कुछ इस तरीके का माहौल देखने को मिलेगा। और ये हमारे भाई सब्सक्राइबर रवि भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। कौन कौन सी वीडियो देखी अभी आपने मेरी? ये मैं ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की देखी है। हाँ, और आप काफी सारी वीडियो देखा मैंने, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो इस तरीके का रात का नजारा दिखता है यहाँ पर अभी भी पब्लिक ये देखो आ रही है। कहाँ से आए भाई? साकीनागा से। कितने बजे से चढ़ रहे हो? चार बजे चढ़ रहे हो भाई? पाँच बजे से चढ़ रहे हैं। रात के 8 बज गए, चढ़ते चढ़ते हैं भाई। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। रात का समय है, रात के समय थोड़ा सा जंगल पड़ेगा रास्ते में, बाकी पूरा पूरा शहर मुंबई है। देखो पूरा मुंबई शहर दिखता है यहाँ से, और रात के बज गई है 8 बजे भी पब्लिक ये देखो सामान ले लेके ऊपर चढ़ के जा रही है, आ रही है और जा रही है। ऐसा है माहौल यहाँ का, ये देखो।
मन्नत है क्या भाई इनकी? ओ भाई भाई थोड़ा रास्ता भाई लकड़ी की तरह हो जाए। ये देख सकते हो यहाँ पे मन्नत मांग करके घुटनों के बल हाजी मलंग बाबा की दरगाह पे भाई जा रहा है। यहाँ पे बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं और हाजी मलंग बाबा से अपनी दुआएं लेकर के जाते हैं। कुछ बता सकते हो क्या मन्नत थी भाई? बोलने सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देख सकते हो घुटनों के बल चल रहे हैं, यानी बहुत बड़ी मन्नत है। इंशाल्लाह बाबा के सदके अल्लाह ताला पूरी करेंगे। मतलब ये शबे बारात की रात है और आज की रात इबादत की रात है, तो इबादत करते हुए कुछ इस तरीके से मन्नत मांग के जा रहे हैं। तो ये देख सकते हो पूरा हाजी मलंग का पहाड़ हम लोग चढ़ के वापस आ गए हैं। वापस जाने के लिए यहाँ पे टैक्सी मिल जाती है, ऑटो मिल जाता है और बस भी मिलती है। तो कल्याण रेलवे स्टेशन जाने के लिए पूछता हूँ भाई, कल्याण रेलवे स्टेशन का कितना लोगे सिंगल सवारी का? 50 रुपये सिंगल सवारी का 50 रुपये लेंगे अगर उसमें जाते हो आप। बस ये देखो बस जा रही है, बस भी मिल जाती है आपको मात्र 20 रुपये 30 रुपये में कल्याण रेलवे स्टेशन छोड़ देती है। देखो